दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर नाल संबंधित 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले विच अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस नूं अंतरिम जमानत दे दित्ती है। जैकलीन अपनी जमानत पटीशन की सुनवाई लई वकील दे पहरावे विच अदालत पहुंची। इसका वीडियो भी सामने आया है। चिट्टी कमीज ते काले रंग की पेंट विच जैकलीन अपनी वकील टीम नाल अदालत विच जांदी नजर आई। इस मामले च दोषी पिंकी ईरानी भी पटियाला हाउस कोर्ट विच मौजूद सी। पिंकी ईरानी नूं पहला ही जमानत मिल चुकी है ते जैकलीन फर्नांडिस नूं अज चार्जशीट की कॉपी दी गई। विशेष जज शैलेंद्र मलिक ने फर्नांडिस नूं 50,000 रुपए दे निजी मुचलके ते राहत दिंदे होए मामले दी अगली सुनवाई 22 अक्टूबर नूं तय कीती है। इस तों पहला 31 अगस्त नूं जज प्रवीण सिंह ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वल्लों दायर पूरक चार्जशीट दा नोटिस लैंदिआं फर्नांडिस नूं अदालत विच पेश होण लई कहा सी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मामले दी जांच दे संबंध विच फर्नांडिस नूं कई वार पुछगिछ लई बुलाया सी। उस नूं पहली वार पूरक चार्जशीट विच मुलजम वजों नामजद कीता गया है। ईडी दी पहली चार्जशीट ते इक सप्लीमेंटरी चार्जशीट विच उसदा मुलजम वजों जिक्र नहीं कीता गया सी। हालांकि दस्तावेजां विच फर्नांडिस ते अदाकारा नौरा फतेही दे बयानां दा जिक्र कीता गया सी। ईडी मुताबिक फर्नांडिस ते फतेही नूं चंद्रशेखर तो लग्जरी कारां ते होर महंगे तोहफे मिले सन जिस दे संबंध विच उन्हां तों पुछगिछ कीती गई। ईडी ने कहा कि फर्नांडिस दे बयान 30 अगस्त ते 20 अक्टूबर 2021 नूं दर्ज कीते गए सन जिस विच उसने चंद्रशेखर तों तोहफे लैण दी गल स्वीकार कीती सी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल बज़।